हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल पॉइंट। लेकिन रियलमी सी 15 पर फाइनली डिसेबल का अपडेट आ चुका है। फाइनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 8 तारीख को कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था कि एक अपडेट आएगा, उसमें कुछ बग्स फिक्स्ड होगा और एक फीचर ऐड हुआ है। आपको मालूम होगा अगर आप कम्युनिटी पोस्ट फॉलो करते हैं। कम्युनिटी पोस्ट कहाँ से देखें, रियलमी एक रियलमी कम्युनिटी ऐप है, उसके अंदर आप देख सकते हैं रियलमी सी 15 का डिवाइस का जो भी अपडेट आते रहता है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 8 तारीख को पोस्ट किया था, लेकिन मेरे पास जो अपडेट आया है वो 14 तारीख को, मतलब कि आज रात में मैं शूट कर रहा हूँ अभी। तो इस अपडेट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कितने का MB, मतलब कि कितना साइज़ है इस अपडेट का, डाउनलोड साइज़ क्या होगा, वर्जन नेम क्या है और कौन सा फीचर ऐड हुआ है, कौन सा बग्स फिक्स हुआ है, इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। सो है फ्रेंड्स, मैं होता कुछ बात करते हैं इसके वर्जन नेम की। तो इसका जो वर्जन नेम है वो है RMX2ON8011A.80ON और इसका जो डाउनलोड साइज है वो है 232 MB। सिक्योरिटी पैच, तो सिक्योरिटी पैच आपको मिलने वाला है 5 नवंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच। फीचर्स के बारे में बात करें तो एक फीचर ऐड हुआ है इस अपडेट में, मतलब कि जब भी आप फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ, इस तरह जब भी आप फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो ये ब्लैक स्क्रीन है, तो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर से आपको बस एक पावर बटन को एक बार प्रेस करना होगा तो आपका जो फ्लैश लाइट है वो ऑफ हो जाएगा। तो यही एक फीचर ऐड हुआ है इस अपडेट में, इम्प्रूव हुआ है सिस्टम में। जैसे कि इधर लिखा है ऑप्टिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट सिस्टम स्टेबिलिटी, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि थोड़ा फोन आपका अगर लैग हो रहा था तो थोड़ा इम्प्रूव होगा, इस तरह का एक अपडेट आया है। और जो लास्ट जो फिक्स जो है, जो एक बग था आपके फ़ोन में, मेरे में भी काफ़ी तरह से इसका प्रॉब्लम था। जैसे कि जब भी कोई कॉल आता था ना तो इस तरह से ब्लैक स्क्रीन हो जाता था, मतलब कि रिंगटोन तो बजता था लेकिन जो इनकमिंग कॉल आते टाइम जो दिखाता है उसका नंबर नाम तो वो नहीं दिखाता था, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो फाइनली उन लोगों ने ब्लैक स्क्रीन डालिंग इनकमिंग कॉल उनको ठीक कर दिया है। अभी आप इसको अपडेट कर लीजिए, उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम फिक्स्ड हो जाएगा। तो कुछ यही था फ्रेंड्स इस अपडेट में। और धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और एक बार अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक आपको।